सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर पिंकी व्लॉग्स में आपका सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सॉरी गाइस, मैं आप लोगों को व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में है न्यू बॉर्न बेबी, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और रहती हूँ उसमें, तो इसलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो गाइस, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि रोज़ डेली व्लॉग्स मैं आपको दूँ। और अभी मेरा बेबी खेल रहा है तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, फेस नहीं रिवील कर सकती। और अभी आपको पीछे से साउंड आ रहा होगा ना कुकर की सीटी का, तो उसको आप लोग इग्नोर करना। और मैं बना रही हूँ मिक्स दाल, तो मिक्स दाल मैं बना रही हूँ, तो आप लोगों को उसकी रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो अभी मैंने बॉईल करने रखी हुई है, वो बॉईल हो रही है, हल्दी और नमक डाला है तो उसको बॉईल कर रही हूँ, और उसमें कुछ नहीं डालना है। और प्योरी बना ली है मैंने टमाटर की, और एक तरफ बना लिया प्याज की प्योरी, तो वो बन गई है। तो मैं गाइस आप लोगों को दिखाती हूँ, चलिए। तो गाइस, तो मैंने ये यहाँ पर ये बना के रख रखी है, इसमें टमाटर एंड हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और ये खाली, और ये मेरी दाल बॉयल हो रही है। तो मैंने प्योरी बना के रख ली है, तो जब मैं उसमें तड़का लगाऊंगी तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ। कि अभी मेरा बेबी रो रहा है तो मैं उसको देख लेती हूँ, ठीक है? ये मैंने दाल चढ़ा दी है और गैस कर लिया ऑन। तो इसमें मैंने डाला है नमक, हल्दी, और दाल के हिसाब से पानी डालना है। तो गाइस, तो मैंने इसमें डाल दिया है तेल, तेल के बाद डाला जीरा, तेज पत्ता डाला है और लाल मिर्च डाली है दो। तो और फिर उसके बाद में मैंने डाला है ऑनियन, ऑनियन को हम पहले कर लेंगे रेड, अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग प्योरी डालेंगे। तो ये प्योरी है, तो मैंने इसमें डाला था अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट बना लिया मैंने, तो ये डालूंगी मैं पेस्ट इसमें। और मैंने अपनी दाल भी बॉईल कर लिया, तो दाल मेरी इसमें है। तो ये दाल में मैंने हल्दी और नमक डाल के बॉईल किया था, नमक भी हल्का सा डालना है आपको। तो इसमें मैंने बॉईल कर दिया है, क्योंकि याद रखें आप थोड़ा ही नमक डालें उसमें ताकि दाल आपकी हो जाए। तो चलिए, अब पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन हो गई है, तो अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर की प्योरी। तो ये गाइस, यहाँ पर मैंने कर लिया टमाटर की प्योरी को ऐड, और इसमें भी मैंने कुछ ही डाला है, खाली टमाटर की प्योरी डाली है। और अब हम डालेंगे इसमें नमक, डालेंगे यहाँ डाल देंगे ये नमक, देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट अच्छे से पका लिया है, और कितना अच्छा कलर आ गया इसका। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल, तो ये है मेरी दाल। आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया इसमें। तो आप लोगों को भी अगर ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग भी अपने घर में बना सकते हैं, जिस तरह मैंने बनाती हूँ, मैंने आपको उस तरह से दिखाया है, मिक्स दाल में ऐसे बनाती हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिए धनिया के पत्ते, और अब आप सब देख सकते हैं मेरी ये दाल हो गई है डन। सो गाइज, मेरा बेबी रोने लग गया था, तो इस वजह से वीडियो मेरे को कट करनी पड़ी। और मेरा खाना बन चुका है, और बस बन रहे हैं राइस। जैसे आप लोगों को अगर मेरी दाल अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिसके मुँह में पानी आ रहा हो तो उसका कमेंट कर देना। तो चलो गाइज, मिलते हैं अभी। ओके सर, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे हैं अभी 11:30, और हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिए हैं, और मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो मैं और मेरा बेबी हम दोनों अभी लेट गए हैं दोबारा से ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि बेबी को कराना है मुझे फीड,
और अभी मैं गाइस आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरे घर में अभी इतना फलारा हो रहा है ना कि पूछो मत। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, ये देखो। ओके रूम दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ कपड़े हैं, वहाँ सारा फैला हुआ है सारा, भी बेडशीट भी ऐसी पड़ी है, नीचे भी गंद पड़ा है। पता ही है बेबी वाले घर में तो ऐसे ही गंद मचा रहेगा, क्योंकि बेबी अभी उठ चुका है और उसको मुझे फीड कराना है, तो अभी इसलिए घर गंदा पड़ा है। करेंगे उसको फीड कराने के बाद घर की साफ सफाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं। मैंने काम वाम कर लिया था, चाय वाय मैंने सब पी ली है, और यहाँ हमारा बेबी उठ चुका है और उसने कर लिया है पी। तो हम उसके लिए ये सामान ले लिया है, निकाल लिया है, अब हम उसको पहले क्लीन करेंगे, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैंने बेबी को क्लीन कर दिया है और ये तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक, कमेंट, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब। तो थैंक फॉर वॉचिंग।